गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है क्योंकि आज 29 मार्च है, फिर अप्रैल की शुरुआत होने जा रही है। गर्मी को देखते हुए, आगामी गर्मी को देखते हुए अब गन्ने का जूस, गन्ने का रस लोग सेवन कर रहे हैं। गन्ने में क्या क्या बात, पुदीना है, नींबू है, गन्ने में, गन्ने के जूस में पुदीना, ये पुदीना है और नींबू भी है इनके पास। ये गिलास है, इसमें इन्होंने दे दिया। ये गन्ना देखिए, हाँ, गन्ना कहाँ से लाया आपने? गन्ना गांव से है, करनई गांव है। कौन गांव? करनई गांव। करनई गांव से, अपना खुद के खेत का है? हाँ। आइए भाई साहब, लोग तो बांटते हैं, बड़े फुर्सत के छड़ों में है, जनपद न्यायाधीश से आवाज के सामने। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। क्या क्या पड़ा इस अभी? तो नींबू और पुदीना इसमें डलता है, लेकिन हम व्रत में हैं, नवरात्रि व्रत का हूं, तो इसलिए नींबू और पुदीना का सेवन इसमें नहीं कर रहा हूं। नमक भी इसमें डलता है, नमक का भी सेवन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी गर्मी में राहत भी देता है। आइए रजनीकांत जी, क्या हाल चाल है? आप तो जूस आपने पी लिया, नवरात्र पे नगरवासियों के लिए, जनपदवासियों के क्या संदेश? सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ और माता रानी की कृपा पूरे नगरवासियों पे पूरे वर्ष बनी रहे, यही मेरी माता रानी से गुजारिश है। रजनीकांत जी ने बताया कि नगरवासियों को, जनपदवासियों की नवरात्र की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, पूरा परिवार सुखमय जीवन बिताए, सबको माता रानी कृपा मिले। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।